हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंदौरी इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन के बारे में। तो फ्रेंड, काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और मेरा एक फ्रेंड है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन से पढ़ रहा है, तो उससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन कैसी है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, कौन कौन से कोर्स वहाँ फेमस है और वो रीजनल एरिया में आता है या नहीं आता है, वहाँ जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या हम वहाँ फीस निकाल सकते हैं और क्या वहाँ पर पीआर के ऑप्शन है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। ऑलमोस्ट इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा, तो जो भी आपके डाउट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन से रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग सही में यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन में जाने का सोच रहे हैं या जिन लोगों ने वहां अप्लाई किया है, तो वही लोग अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। अगर कोई दूसरे लोग हों वो इस पे कमेंट ना करें, क्योंकि ये स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन के बारे में जानना चाहते हैं या वहां पर जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको वुलंगोन के बारे में बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत छोटी जगह है और ये रीजनल एरिया में आता है। तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दूं, ये एक रीजनल एरिया है, काफी ब्यूटीफुल है और मल्टीकल्चरल लोग हैं, काफी अच्छा है और काफी ब्यूटीफुल है। और फ्रेंड, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख के समथिंग है, उससे कम थोड़ी बहुत ज्यादा, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके बाद फ्रेंड, मैं बता दूं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन के बारे में। तो फ्रेंड, मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसकी जो QS रैंकिंग है वो 212 है। उसके साथ अगर ऑस्ट्रेलियन रैंकिंग देखें तो ये टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में आती है। तो जो लोग मुझसे पूछे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन कैसी है, अच्छी है, तो फ्रेंड यूनिवर्सिटीज अच्छी है। और मैं आपको और भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। तो आप बार बार ये क्वेश्चन ना पूछें कि ये यूनिवर्सिटीज कैसी है, ये यूनिवर्सिटीज कैसी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सारी अच्छी है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, ग्रुप ऑफ 8 में पढ़ना है या आपका बजट कैसा है। अगर आपका कम बजट है तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज ढूंढोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि यूनिवर्सिटीज सारी अच्छी हैं, आप किसी से भी स्टडीज करें, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपका बजट और आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है या ग्रुप ऑफ 8 की पढ़ना है, तो वो आप डिसाइड करें। उसके बाद फ्रेंड, कोर्सेज की बात बताऊं तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कोर्स इस यूनिवर्सिटीज में अच्छा है, ये कोर्स इस यूनिवर्सिटीज में अच्छा है। तो मैं आपको सेम यही बात बताऊंगा कि कोर्स सारे अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट है इसीलिए आपने वो सिलेक्ट किया है, तो कोर्स तो सारे अच्छे ही हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से करें। बट मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोन में कौन कौन से कोर्स है। तो फ्रेंड, इसमें ऑलमोस्ट सारे कोर्स हैं। इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड मिल जाएगा, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा, लॉ से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा और आपको सोशल वर्क। तो फ्रेंड, ओवरऑल सारे कोर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो भी कोर्स है आप सर्च कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे कोर्स मिल जाएंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस यूनिवर्सिटीज में कि आपको कोर्स नहीं मिलेगा। फ्रेंड, फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटीज में बेस्ट कोर्स कौन से रहेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और अपने मेटलर्जी इंजीनियरिंग, फ्रेंड जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स है वो काफी अच्छे हैं इस यूनिवर्सिटीज में। इसका मतलब ये नहीं है कि और दूसरे कोर्स अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, बट इसकी स्पेशलिटी यही है कि याले कोर्स इसमें ज्यादा अच्छे हैं, जो अभी मैंने आपको नाम बताए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, काफी लोग मुझसे पूछेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वहां का। तो फ्रेंड, वहां पर दो हैं, अगर आप कैंपस में रहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और या तो आप आउट में रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो अगर आप कैंपस में रहते हैं तो 250 से 300 पर वीक वहां पर चार्जेस रहेगा यूनिवर्सिटी में, जो भी हॉस्टल या कैंपस टाइप आप बोल लें, तो काफी लोग वो भी प्रीफर करते हैं। और जो लोग बाहर रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में नहीं रहना चाहते हैं, खुद का फ्लैट रूम यूनिट वगैरह लेते हैं, तो वो आप समझ ले 130 से स्टार्टिंग होता है रूम्स और शेयरिंग का। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 130-140 आप जितना भी लेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो वहां पर जो लिविंग कॉस्ट होगा आपका, मतलब अकोमोडेशन का कॉस्ट होगा, वो 600 मान लें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जो ग्रोसरी का चार्जेस है वो $200 से ज्यादा कहीं नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। एक सिंगल पर्सन के लिए आप अगर घर पे बनाते हैं तो आप
इजीली $200 में सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपका इजीली 1 month निकल जाएगा और आपका मोबाइल बिल $50 से ज्यादा नहीं आएगा एज अ स्टूडेंट, बहुत सही है। और ट्रैवलिंग की बात करें तो अगर आप ट्रैवल भी करते हैं तो $80 से $100 के बीच में आपका शायद कार्ड बन जाएगा। वहां ट्रैवलिंग का नॉलेज नहीं है बट $80 से $100 के बीच में आपका कार्ड बन जाएगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली 800 से लेके 900 में आप इजीली वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपका जो लिविंग कॉस्ट रहेगा वुलुंगोन में वो $900 per month होगा, इससे ज्यादा तो हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या क्या चीजें यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ वुलुंगोन में आ रहे हैं उनका वीजा लग चुका है या जो अप्लाई कर चुके हैं तो फ्रेंड वो अपने यूनिवर्सिटीज में बात कर सकते हैं ताकि उनको फ्री एयरपोर्ट पिकअप सर्विस मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड वहां पर वैसे तो हर जगह ही होता है बट अगर आप चाहें तो आप आ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुलुंगोन में तो आप यूनिवर्सिटी वालों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ नए हैं और हमें यहाँ पिकअप की जरूरत है। तो यूनिवर्सिटीज वाले आपके लिए पिकअप अरेंज करवा देते हैं एयरपोर्ट से आपको पूरा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, काफी लोग मुझसे पूछे थे कि यहां आना सही रहेगा। तो फ्रेंड देखो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा आना है। वैसे अच्छी तो है बट अब जो चीज मैं बताने वाला हूं आपको वो है जॉब। तो फ्रेंड काफी लोग पूछेंगे कि क्या यहाँ पर जॉब अवेलेबल है पार्ट टाइम। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बहुत छोटी जगह है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, मिलती है बट बहुत सिलेक्टेड जॉब्स हैं, तो थोड़ी जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप जॉब के ऊपर डिपेंड होकर आ रहे हैं तो कुछ स्किल सीख कर आए, तो जैसे फ्रेंड मैं एक स्किल पे वीडियो बना चुका हूं, मेरे कुछ वीडियोस आप पहले जाके देखेंगे तो आपको स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारे मैंने स्किल्स बताए, उसमें से कुछ सीख कर आ जाए। या अभी रिसेंटली मैंने कुछ 4-5 वीडियो पहले एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको टॉप कोर्सेज बताए कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो वो कोर्स कर लें तो आपके जॉब लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड आप जब भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो अगर आपके पास कोई स्किल हो, जैसे आप हेयर कटिंग जानते हो, आप टाइल्स लगाना जानते हो, आप बरिस्टा का कोर्स करे हो, या आपके पास फॉकलिफ्ट का लाइसेंस हो, तो फ्रेंड इस टाइप की कोई स्किल्स होती है तो आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एडवांटेजेस होता है। क्योंकि फ्रेंड आपने ये सीखा हुआ होता है तो आपको जॉब मिलना इजी हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड जो सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो जॉब्स के लिए कहाँ अप्लाई करते हैं, सुपरमार्केट, कार वॉश, डिश वॉश, रेस्टोरेंट, क्लीनिंग। फ्रेंड जब सारे स्टूडेंट्स इसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज बचेगी नहीं। बट अगर आपको कोई स्किल आती है, ये कौन सोचकर आता होगा कि मैं वहां जाके हेयर कट करूंगा, वहां जाके मैं टाइल्स लगाऊंगा, या मैं वहां जाके बरिस्टा का कोर्स करके करूंगा। तो फ्रेंड अगर थोड़ी सी स्किल्स आप सीख लेंगे तो आपके जॉब लगने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो कोई भी काम छोटा बड़ा ना समझे, कुछ स्किल सीख कर आए तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी मिल जाएगी होल ऑस्ट्रेलिया में और वुलुंगोन में भी। उसके बाद फ्रेंड्स बता दूं कि काफी लोग मुझसे पूछेंगे क्या हमारी फीस निकल जाएगी, क्या हम फीस कमा सकते हैं, वुलुंगोन की बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं या कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूं। आप अगर मैं वुलुंगोन में रहते हैं और काम करते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप अपनी फीस नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो यूनिवर्सिटी की फीस होती है वो $15,000 से $20,000 per semester होती है। तो फ्रेंड आप सोचें कि क्या आप 4,000 per month सब कुछ काटने के बाद, मतलब अपना लिविंग एक्सपेंसेस और सारी चीजें काटने के बाद $4,000 बचा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड 4 महीने का सेमेस्टर होता है तो 4 से 4 into 4 करेंगे तो $16,000 होंगे, मतलब आपको 1 महीने में $3,500 से $4,000 सेव करना है। तो क्या आप इतने पैसे कमा सकते हैं 20 hours वर्क परमिट पे? तो थोड़ा सा माइंड लगाएं, आप सोचें कि क्या आप इतने पैसे कमा सकते हैं। फिर या तो आपको इलीगल काम करना पड़ेगा या तो आपको दूसरी तरीके से काम करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, तो ही आप इतने पैसे कमा सकते हैं। बट मेन थिंग वही है कि आपके पास जॉब्स भी होना चाहिए वहां पर। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए, आप अपना पैसा लेके आए अपनी फीस का। फ्रेंड एक बात और, काफी लोग ये करते हैं कि जैसे मैं बता चुका हूँ वुलुंगोन जो साउथ ऑफ सिडनी से बहुत नियर है, तो काफी लोग सिडनी से अप डाउन करते हैं जॉब्स के लिए। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप इतना 90 kilometers दूर है तो वहां से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या अप डाउन कर सकते हैं, या वीकेंड में जॉब कर सकते हैं। तो आप अपना लिविंग और बाकी चीजें तो निकाल सकते हैं, बट बात वही आती है थोड़ी फीस में, 100% तो नहीं, 20-30% 40% फीस आप निकाल सकते हैं।
तो फ्रेंड ओवरऑल इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कुछ और क्वेश्चन हो, और फ्रेंड एक लास्ट क्वेश्चन कवर करना चाहूंगा कि क्या ये वर्थ है अगर आपको यहाँ आना है, और क्या पीआर के चांसेस है। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टडीज के लिए आ रहे हैं और तो बहुत बेस्ट जगह है, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और इसमें पीआर के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फ्रेंड रीजनल एरिया में आता है, पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, तो पीआर आपको बहुत जल्दी मिलने के चांसेस है। आफ्टर स्टडीज आप थोड़ा बहुत करेंगे, और आपको वर्क परमिट भी 3 से 2 साल का मिलता है नॉर्मल जगह, बट रीजनल एरिया में 3 साल मिलेगा, तो वुलोंगोन में 3 साल का वर्क परमिट है। तो एक बात बहुत अच्छी है आपके पास कि वर्क परमिट भी ज्यादा मिलेगा, और रीजनल एरिया है, तो अगर आपको पीआर के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल फ्रेंड मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तो उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग वुलोंगोन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में सारी डिटेल है, पूरा वीडियो देख लें, और जो रियली यहाँ आने वाले हैं या जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो लोग कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी लोग ना करें। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।